क्या वाकई में ईशा जितने भी खुलासे अभिषेक को लेकर कर रही है वो सच है? क्या वाकई में ईशा ने जो बातें अभिषेक के लिए कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या ईशा जो भी चीज़ें और दावे कर रही हैं वो सब सच है? और इसी बात को लेकर अब यहाँ पर उड़ारिया की को एक्टर जो कि अभिषेक और ईशा दोनों के साथ काम कर चुकी हैं, उसको सलमान ने बुलाया है। सलमान ने साफ साफ सभी के सामने उनको वीडियो कॉल किया है और साफ उनसे सारी चीज़ें जानने की कोशिश की है। हम आपको बता दें कि उड़ारिया में अब ईशा की मां का किरदार निभाने वाली कमल ददियाला को अब यहां पर सलमान ने वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की कि ईशा जितने भी खुलासे कर रही हैं, जो भी बातें कर रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में ये चीज़ें जो हैं आपको लगता है कि जो सलमान ने की है वो कितनी सही? क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो चीज़ें देखने को मिली हैं उससे तो ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर अब सलमान खान भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे कि क्या यहाँ जो चीज़ें अब ईशा कह रही हैं अभिषेक के बारे में उसमें कितनी सच्चाई है। सलमान ने साफ साफ उनको फ़ोन करके ये बातें पूछी हैं और कहा है कि क्या न्यू ईयर की पार्टी में ये सब हुआ था? अभिषेक ने क्या उसे थप्पड़ मारा था? क्या दोनों के झगड़े होते थे? क्या अभिषेक को सेट से निकाल दिया गया था? क्या अभिषेक को सीरियल से इसलिए निकाला था क्योंकि वो एग्रेसिव था? क्या ईशा हर जगह सही थी और अभिषेक गलत, या फिर अभिषेक की भी गलती नहीं थी और ईशा की भी नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं सलमान ने जानने की कोशिश की है। और यहाँ पर अब हम आपको बता दिए कि उड़ारिया के क्वेश्चन ने अब यहाँ पर पोल खोल कर रख दी है। उसने साफ साफ कहा है कि अभिषेक के बारे में इस शो में बहुत ज़्यादा जो है गलत बातें ईशा और समर्थ ने कही है और अभिषेक की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है। वो ये मानते हैं कि अभिषेक के अग्रेशन के इशू थे, लेकिन यहाँ पर ये बात भी साफ हो चुकी है कि अभिषेक को ये अग्रेशन जो है ईशा के ब्रेकअप के बाद आया। तो अब आपको क्या लगता है इस बारे में कि जिस तरीके की चीज़ें अब सामने आ रही हैं और जिस तरीके से अब शो के आखिर में सलमान अभिषेक को क्लीन चिट दिलवाना चाह रहे हैं, उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर अब अभिषेक की वापसी के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।